वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया में 218 देशों में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 6,60,000 नए मामले सामने आए और 12,522 मरीजों की जान चली गई। इससे पहले 4 दिसंबर को सबसे ज्यादा 6,94,000 केस और 3 दिसंबर को सबसे ज्यादा 12,861 लोगों की मौत हुई थी। बीते दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई। इसके बाद इटली, मैक्सिको, ब्राजील, रूस, जर्मनी, यूके, भारत में मौत के सबसे ज्यादा केस सामने आए। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 7,06,81,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से अब तक 15,87,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,91,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 1,99,64,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं। इनका इलाज चल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़े हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,01,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में 98,00,000 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में 35,000 मामले मिले। वहीं कोरोना से तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में 24 घंटे में 53,000 मामले सामने आए। भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी इस महामारी से मरने वालों का सिलसिला नहीं थमा। कोविड-19 की चपेट में आकर देश में अब तक 1,42,146 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि भारत में अब कोरोना के कुल एक्टिव केस 3,63,000 हैं।